वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं इब्राहिम्स किचन और मैं हूँ राजे इब्राहिम। आज मैं आपका आप सबके लिए एक और शानदार किस्म की रेसिपी लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसका नाम है मेथी वाले आलू। ये बहुत मशहूर रेसिपी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें मैंने पानी शामिल कर दिया है, ये 1 कप के मेजरमेंट है पानी। और साथ मेरे पास 5 अदद आलू थे, आधा किलो आलू थे मेरे पास। इनको मैंने इतना इतना काट लिया, बारीक बारीक आपने काटना है, छोटे साइज में, जितना जितना आलू जल्दी गल जाए। अभी मैं इसमें मसाले शामिल करूंगा और आलू शामिल करूंगा, आप मेरे साथ रहिएगा। इसमें मैंने ये आलू शामिल कर दिया पानी में, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये मैंने सारे शामिल अभी हम सेट कर देते हैं इसको हाथ से या चम्मच की मदद से, ये समझ लीजिए आप सेट कर लें। इसमें थोड़ा सा ये मैं सजात आपको बता दूँ, ये रेसिपी बहुत छोटी है, आप आसानी से घर में बना सकते हैं। सबसे पहले हमें जो जीरा है ये मैंने लिया है 1/2 टीस्पून, नमक जो है ये 1/2 टेबल स्पून है, और लाल मिर्च पाउडर ये 1 टेबल स्पून, और हल्दी ये 1/2 टीस्पून। या मेजरमेंट कर लें, ये बहुत झटपट रेसिपी बन जाती है। हम इन सारे मसालों को शामिल कर देते हैं आलुओं में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सारे शामिल हो गए, अब इनको एक दो आपने हिला लेना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिला के हल्का सा आपने हिलाना है और फिर ऊपर से आपने कवर कर देना है इसको। 10-15 मिनट के बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। माशाल्लाह हमारे आलू जो बॉयल हो चुके हैं, अब जो इनमें जो पानी है हमने इसको ड्राई करना है। और ये जो मेथी वाले आलू की रेसिपी है ये ड्राई मेथी की रेसिपी है, फ्रेश मेथी की रेसिपी नहीं है। आप ड्राई रेसिपी इस्तेमाल करनी है तो माशाल्लाह बहुत अच्छी आपकी रेसिपी तैयार होगी। ये भी पानी ड्राई हो जाए फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। हमारा जो आलुओं का पानी है वो खुशक हो रहा है, ड्राई हो रहा है। अभी हम इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही एहतियात से। ये कुकिंग ऑयल 4 टेबल स्पून है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने शामिल कर दिया कुकिंग ऑयल सारा। अब इसको आपने हल्का सा हिलाना है बस, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारे आलू माशाल्लाह बहुत इस टाइम बॉयल हो चुके हैं, ये टूटने का खतरा, और फिर आपको जायका सही नहीं आएगा। अगर कोई चीज़ टूट जाए तो जायका अच्छा नहीं आता जी। आप चेक कर ले, माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी चीज़ है, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे अल्लाह ने कितनी प्यारी शान बना दी। अभी पानी थोड़ा और ड्राई हो जाए फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। अभी हमने इसमें अनारदाना थोड़ा सा शामिल किया टेस्ट के लिए, अनारदाने का माशाल्लाह टेस्ट बहुत प्यारा होता है। थोड़ा सा आपने 1/2 टीस्पून के मुताबिक आपने डाल देना है अनारदाना, माशाल्लाह खुशबू बहुत प्यारी है। ये पानी थोड़ा और ड्राई हो जाए फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। माशाल्लाह 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 मेरे अल्लाह की शान है, देखें कितनी प्यारी हमारे आते 10-15 मिनट में मेथी के आलू तैयार है। अभी हम इसमें मेथी शामिल करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने ऊपर स्प्रिंकल कर देनी है इसके, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मेरे पास 4 टेबल स्पून मेथी थी, जब भी हम डालती है आप इसको हम हल्का सा हिला देते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पानी हमारा ड्राई हो चुका है, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें अल्लाह ने हमारे हाथों में कितनी बरकत दी। अगर आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी है मेथी आलू की रेसिपी की, ये बहुत आसान रेसिपी है, आप बनाएं और ज़रूर टेस्ट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट करके अपना नाम जरूर लिखिए और अपने शहर का नाम जरूर लिखिए। इसी के साथ मिलेंगे किसी वीडियो में, नई वीडियो या नए किसी ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।